हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको बताया कि हम लोग अभी UPSI के लिए स्पेशल हर चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, और अभी आपको जो बिल्कुल कंटिन्यूसली वीडियो मिल रही है वो मूल विधि की मिल रही है। तो आपके कुछ प्रश्न थे तथा मुझे भी कोई सूचना आपको देनी थी। तो जैसा राम जी की पाठशाला ने आप सबको वादा किया था कि मूल विधि, संविधान, GS, UPG के रीजनिंग के कुछ टिपिकल टॉपिक्स की ट्रिक्स, जैसे आप देख सकते हैं जाके रीजनिंग ट्रिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने कैलेंडर की ट्रिक बताई है। इसी तरह और भी जो टिपिकल टॉपिक हैं उनकी ट्रिक मैं आपको दूंगा, और हिंदी तथा हिंदी साहित्य जिनकी वीडियो भी काफ़ी लगभग पढ़ी हुई है, आधा हिंदी साहित्य पढ़ा हुआ है, आप वो उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको मैं सूचना देना, पहले मैं सूचना क्या देना चाहता हूँ भैया, मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। अब क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है वो थोड़ा मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, केवल इसलिए कि वो चीज़ मैं बाहर नहीं लाना चाहता, ठीक है। वो मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है तो उसका अब एंडिंग टाइम चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ उसमें। तो कल आपको मूल विधि की वीडियो, यानी कल क्या दिन है आपका, आई थिंक 25 तारीख है आपकी, हाँ, तो कल 25 मार्च है, तो 25 है 24 मार्च है जी, 24 मार्च है। तो 24 मार्च को सुबह के जो आपको 8 बजे वीडियो मिलती है वो आपको मैं कल नहीं दे पाऊंगा, मुझे बहुत सारा काम करना है। आप यकीन मानो मैं 17 से 18 घंटे काम कर रहा हूँ रेगुलर। आप अगर कभी आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, शायद कभी मिलना हो हम लोगों का जल्दी ही तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा बिजीनेस है, कल आपको वीडियो नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए पहले ही आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको जो प्रीवियस वीडियो पढ़ी है अगर नहीं देखी है तो उनको कंप्लीट कर लो आप, ठीक है, उनको कंप्लीट कर लो आप, और जिन्होंने कंप्लीट कर रखी है वो रिवाइज कर लो। और जल्दी ही लगभग मैं 10 से 15 दिन में फ्री हो जाऊंगा, 15-20 दिन में फ्री हो जाऊंगा लगभग, आप 20 दिन मान के चलो, 20 दिन में फ्री हो जाऊंगा, आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो आपको मूल विधि की वीडियो तो परसों को आपको मिलेगी, मूल विधि तो जल्दी ही हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, और आपको संविधान की वीडियो देनी शुरू कर दूंगा, हिंदी की भी वीडियो देनी शुरू कर दूंगा, और प्रॉपर तरीके से काम होगा, ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी होगी। आप इतना विश्वास तो मुझ पर दिखा सकते हैं, इतने आप जो चीज़ पढ़ी हुई है चैनल पे उसको जाके पढ़िए, और मैथ्स की और रीजनिंग की पुरजोर तैयारी कीजिए। यदि आप में से किसी ने सिलेबस के पहले कंप्लीट कर रखा है तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए। साथ में आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरी है, एक भैया का मेरे पास अभी फ़ोन आया था आगरा से, उन्होंने बोला कि सर आप मूल विधि को इतना खींच क्यों रहे हैं, इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, 2 से 3 ही प्रश्न आए थे। देखो मैं बताता हूँ, आपको तैयार रहना है। आप अगर धाराओं को गिनेंगे तो 1-2 धाराएं आपको दिखाई देंगी, पर मूल विधि में यातायात के नियम भी आते हैं, मोटर वाहन अधिनियम आता है, बहुत सारी धाराएं उसमें आपको देखने को मिलेंगी। और अभी मैं आपको बताता हूँ, जेल वार्डन का एग्जाम हुआ, जेल वार्डन के एग्जाम में हिंदी में हिंदी व्याकरण को पूछने के बजाय हिंदी साहित्य को पूछ लिया गया, तो आपको हर एंगल से तैयार रहना है, जिससे कल के लिए आपको काश ना बोलना पड़े, आपको काश ना बोलना पड़े कि मैं पढ़ लेता तो आप सब चीज। और देखो मैं तो चाहता हूं भाई, मैं कौन सा आपका टाइम बर्बाद करना चाहता हूं। आप मेरी कोई भी वीडियो देखो, मैक्सिमम 30 मिनट की कोई वीडियो होगी, और संविधान की वीडियो है वो भी छोटी छोटी है, इसी तरह में छोटी छोटी अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे ना तो आपको मैक्सिमम 2 घंटा यूट्यूब के लिए देना होगा, बाकी आप सेल्फ स्टडी करेंगे। मूल विधि की जो वीडियो अभी जा रही है वो 15-20 मिनट की ही जाती है, और 15 से 20 मिनट की वीडियो सार गर्भित होती है, साथ में इसकी प्रामाणिकता इतनी है आप बेयर एक्ट को उठा के और पॉइंट टू पॉइंट मैच कर सकते हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप लोग बोलते रहते हैं कि आप सही पढ़ा रहे हैं, क्या है ये है, तो भाई मैं बिल्कुल ये बोल रहा हूँ, जो कानून में लिखा है ना, जो बेयर एक्ट में लिखा है आप जाके देख लो, बिल्कुल सेम टू सेम है, और कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, प्यार भी आप बहुत कर रहे हो। साथ में यार चैनल को ना मैक्सिमम शेयर करो, आपका क्या जाता है भाई, चैनल मैक्सिमम शेयर करो, चैनल को बढ़ाओ, आप ही का चैनल है, चैनल को बड़ा करो, ये मेरी आपसे गुजारिश है। वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक किया करो। और एक चीज़ और बोल देता हूँ मैं, आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं तमाम लोग पूछते रहते हैं कि आप भाषण देते रहते हैं, आप ज्ञान देते रहते हैं, कितने एग्ज़ाम निकाले हो, तो भाई एक बात मैं बता देता हूँ, मैंने कितने एग्ज़ाम निकाले हैं, कितने नहीं निकाले हैं, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का भाग है। इसकी वजह से आपकी पढ़ाई तो नहीं रुक रही है,
और क्या पता मैंने कितने सारे एग्जाम निकाले हों, क्या पता मैं कहीं सेलेक्ट भी हूँ, क्या पता मैंने कोई भी एग्जाम ना दिया हो, क्या पता मैंने कोई भी एग्जाम ना निकाला हो, कुछ भी बात हो सकती है। पर आपको तो पढ़ने से मतलब है, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ आप वो पढ़िए, क्योंकि अभी मैं कुछ भी चीज़ उजागर नहीं करना चाहता, क्या पता कोई चीज़ हो क्या ना हो, तो मैं उजागर करूँ ना करूँ, आपको तो पढ़ने से मतलब है, बस आप पढ़िए यार अच्छे से, आपको इस चीज़ से मतलब होना चाहिए। और जिसको नहीं पढ़ना है वो फालतू क्वेश्चन पूछता रहता है, अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़िए भाई, मैंने तो रोका नहीं है। जिसको अपना भला करना होगा वो कंटेंट देख लो और विश्वास कर लो, आपको पता लग जाएगा। तो यही सब बातें मुझे आपसे करनी थी, हिम्मत मत हारिए, राम जी की पाठशाला हमेशा आपके साथ है, एग्जाम टाइम से पहले भी, एग्जाम टाइम में भी, एग्जाम सिलेक्शन होने तक साथ रहेगी, ये बिल्कुल भी चिंता मानना मत। और साथ में जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी आप सजेस्ट करना कि वहाँ से GS पढ़ो और वहाँ से आप हिंदी की तैयारी करो। एक चीज़ मैं करंट अफेयर के लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ कि करंट अफेयर को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। आपकी तमाम समस्याएं मैं सुनता हूँ, नोट करता हूँ, जो सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने का मैं प्रयास करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। कल यानी कि 24 मार्च को आपको मूल विधि की वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं आपको पहले से ही अवगत करा देता हूँ। उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगे, सहयोग करेंगे और अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। तो आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।